नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अमेजमेंट ब्लॉग में। आज हम पटना के गोलघर के बारे में बात करेंगे, इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद ये गोलघर गांधी मैदान के पश्चिम साइड में है। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। इसका चौड़ाई 125 मीटर है और इसकी हाइट 29 मीटर है। गोलघर की खासियत यह है कि इसमें एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका तुलना मोहम्मद अब्दुल शाह के मकबरे से किया जाता है। इस गोलघर के चारों ओर सीढ़ी बनाई गई है, यह कुल 145 सीढ़ी है। इसके टॉप से जो व्यू हम गंगा माता का देखते हैं वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखा है। दरअसल इस गोलघर को बनाने के पीछे का रीज़न था 1770 में आई भयंकर सूखा, जिसके चपेट में 100 करोड़ लोग आ गए थे। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी योजना बनाई। यह गोलघर इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 1,40,000 टन अनाज जमा किया जा सकता है। वॉरेन हेस्टिंग ने ये गोलघर का निर्माण अपने ब्रिटिश सैनिकों के अनाज के जमाव के लिए किया था और अभी के समय में पटना का सबसे ज़्यादा फेमस जगह और आकर्षित करने वाला जगह गोलघर है। यहाँ पे लोग हजारों और लाखों की संख्या में आते हैं और ऊपर से गंगा और गांधी मैदान दोनों का व्यू का मज़ा लेते हैं। गोलघर के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का है, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। तो ये था गोलघर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपना एक फीडबैक ज़रूर देके जाएं फॉर आवर इम्प्रूवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।